बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप सबको अपने चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें पुलिस रैंक्स को डिस्कस करेंगे कि कौन सा पुलिस रैंक किसको स्टैंड फॉर करता है और इनकी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं और पुलिस का स्ट्रक्चर पाकिस्तान में किस तरह से काम करता है। तो शुरू कर लेते हैं जी। सबसे पहले आपको ये बताता चलूंगी, पुलिस पाकिस्तान में सूबाई सब्जेक्ट है, यानी कि पुलिस सूबे की हुकूमत के मातहत काम करती है और पुलिस का जो बुनियादी काम होता है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और क्राइम्स की रोकथाम करना है। पाकिस्तान में पुलिस जो है इनको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस, जो कि इस्लामाबाद की हद तक काम करती है, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और क्राइम्स को रोकथाम करना है। जबकि जो बाकी सूबे हैं जिनमें पंजाब है उसकी अपनी पुलिस है जो कि पंजाब की हद तक काम करती है, सिंध जो है उसकी अपनी पुलिस है जो सिंध की हद तक काम करती है, केपीके की अपनी पुलिस जो कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक काम करती है और बलूचिस्तान की अपनी पुलिस है जो कि बलूचिस्तान की हद तक काम करती है। ये तमाम जो पुलिस होती है ये मुतलका सूबों की जो हुकूमतें होती हैं उनको जवाबदार होती है और ये उनके मतहत काम करती है और इनका जो सरबरा होता है वो आईजी होता है। पाकिस्तान में पुलिस को 2 मेन हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक होता है जूनियर पुलिस फोर्स रैंक्स और एक होता है सीनियर पुलिस फोर्स रैंक्स। इनमें फर्क क्या है ये आगे जाकर इसको डिस्कस करते हैं। पुलिस स्टैंड फॉर करता है पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल एमरजेंसीज। जूनियर पुलिस फोर्स के रैंक्स को पहले डिस्कस करते हैं। जूनियर पुलिस फोर्स जो होती है ये फील्ड वर्क करती है, यानी कि पेट्रोलिंग करती है, सर्वेलेंस करती है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करती है और इसका काम जो होता है ये फील्ड में होता है। और जो जूनियर पुलिस फोर्स होती है वो फील्ड में काम नहीं करती, वो जो हेडक्वार्टर होता है और वो नॉन फील्ड ऑफिसर जो है वो होते हैं और फील्ड में वो काम नहीं करते, ये आपने जहन में रखना है। तो जूनियर पुलिस फोर्स में सबसे जो छोटा रैंक है वो होता है जी कांस्टेबल का, सी स्टैंड फॉर करता है कांस्टेबल को और इसका बीपीएस होता है 527 और जो कांस्टेबल होता है उसके कंधे पर सिंपली जो है पुलिस लिखा होता है। और कांस्टेबल जो होता है ये किसी भी चौकी या थाने में सबसे जूनियर स्टाफ होता है। एच सी हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का बीपीएस होता है 729 और इसके कंधे पर रेड कलर का लोगो लगा होता है और हेड कांस्टेबल जो होता है ये कांस्टेबल का इंचार्ज होता है। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के कंधे पर एक स्टार लगा होता है और बीपीएस होता है इसका 9211 और ये कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को ओवरसी करता है। एसआई सब इंस्पेक्टर, बीपीएस होता है इसका 14, ये कांस्टेबल हेड कांस्टेबल और एएसआई को हेड करता है। सब इंस्पेक्टर होता है ये अगर रूरल एरियाज में तैनात होता है, अगर छोटी चौकी होती है तो उसके इंचार्ज के तौर पर भी काम करता है और अगर किसी बड़े थाने में काम कर रहा हो तो वहां पर जो है ये स्टाफ के तौर पर काम करता है और इसके कंधे पर 2 स्टार्स लगे होते हैं। एसएचओ, एसएचओ जो होता है ये मुतलका थाना जो होता है उसमें जो स्टेशन हाउस ऑफिसर को स्टैंड फॉर करता है और ये पूरे थाने का इंचार्ज होता है। अब डिस्कस कर लेते हैं जी सीनियर पुलिस फोर्स रैंक्स को। पहले हमने जूनियर पुलिस फोर्स रैंक्स को डिस्कस किया, वो फील्ड पे काम करते हैं और अब सीनियर पुलिस फोर्स रैंक्स को डिस्कस करते हैं और ये नॉन फील्ड ओहदे होते हैं। और हर डिस्ट्रिक्ट का जो पुलिस ऑफिसर होता है वो डीपीयू होता है जो कि रिपोर्ट करता है डायरेक्टली आरपीओ को और जो आरपीओ होता है वो आगे डायरेक्टली रिपोर्ट करता है मुतलका सूबे के आईजी को, यानी कि जो पुलिस का जो सरबरा होता है मुतलका सूबे का। डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसके कंधे पर 3 स्टार लगे होते हैं और इसका बीपीएस होता है 17 और ये भी नॉन फील्ड ओहदा होता है और ये पुलिस हेडक्वार्टर में काम करता है। एएसपी और डीएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये मुतलका जो जिला होता है उसमें जो पुलिस होती है उसका सरबरा होता है डीपीओ। डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये आरपीओ कहलाता है रीजनल पुलिस ऑफिसर। एआईजी असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसका बेसिक पे स्केल होता है 21 और ये बड़े जो सूबे होते हैं
और ये जो सूबों के बड़े शहर होते हैं, जो कैपिटल शहर होते हैं, जैसे कि पंजाब का जो लाहौर है, उसकी हद तक जो इंचार्ज होता है वो AIG होता है। IG ये पुलिस का सबसे बड़ा होता है और पुलिस का सरबराह होता है। जैसे आर्मी का आर्मी चीफ जो है वो सरबराह होता है, इसी तरह से IG जो होता है इस सूबे की पुलिस का सबसे बड़ा सरबराह होता है, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसका स्केल होता है 21 to 22। खुदा हाफिज।